दोस्तों यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियंस ने किया पलटवार, पांचवें मुकाबले में आखिरकार खोला जीत का खाता और लगातार जीत हासिल करती हुई आ रही टॉप साइड आरसीबी को किया चारों खाने चित। तो आखिर कैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने रोका आरसीबी का विजय रथ, किन किन खिलाड़ियों ने मचाया मैदान में मैच में तहलका और क्या रही सीएसके की जीत के मायने। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा में से किसे होना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला था। एक तरफ चार मैच हारकर घायल शेर की तरह वापसी करने को बेताब जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स थी, तो वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए उतरे थे उनके फॉर्मर टीममेट फाफ डुप्लेसिस की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और मुकाबले की शुरुआत हुई डुप्लेसिस के टॉस जीतने के साथ, जिसके बाद आरसीबी ने पहले सीएसके को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया और पावर प्ले में ही सिराज और हेजलवुड की घातक गेंदबाजी ने सीएसके के ओपनर्स को बांधे रखा। हालांकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे गायकवाड़ ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाकर शुरुआत को ठीक ठाक करने की कोशिश की, लेकिन चौथे ओवर में सीएसके के पूर्व तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, जो आज आरसीबी के लिए डेब्यू मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने गायकवाड़ को 17 रनों पर पवेलियन भेजकर चेन्नई की शुरुआत को एक तगड़ा झटका दे दिया और फिर से सीएसके को एक अच्छी स्टार्ट नहीं मिल सकी। वहीं इसके बाद मोइन अली भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और महज 36 रनों के भीतर ही चेन्नई को दो बड़े झटके लग गए। लेकिन इसके बाद रॉबिन उदप्पा और शिवम दुबे ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके चेन्नई को संकट से बाहर निकाला। पहले 10 ओवर में जहां एक तरफ रॉबिन उदप्पा एंकर रोल प्ले कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से शिवम खराब गेंदों पर कड़े प्रहार कर रहे थे और वो प्रहार से बिल्कुल चूक नहीं रहे थे। और 10 ओवर में सीएसके ने 6 के रन रेट से 60 रन बनाए और जैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने अपनी आंखें जमा ली, फिर क्या, दोनों ही एंड से जबरदस्त धुनाई चालू कर दी। और 11वें ओवर में शिवम ने हसरंगा को एक छक्का और एक चौका जड़ा और अगले ही ओवर में शहबाज की पांचवी गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट करके तीसरे विकेट के लिए रॉबिन के साथ में 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन असली मजा तो तब आया जब रॉबिन ने मैक्सवेल को एक ही ओवर में 3 छक्के ठोक डाले और आरसीबी की खेमे में तहलका मचा दिया। रॉबिन और दुबे की धमाकेदार पार्टनरशिप से मोमेंटम सीएसके ने अपनी तरफ खींच लिया और 13वें ओवर में ही चेन्नई ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। 14वें ओवर में फिर से शिवम ने हसरंगा को आड़े हाथों लिया और दो जबरदस्त चौके जड़े और फिर आकाशदीप को 15वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 15 रन कूट डाले और इसी ओवर में शिवम और रॉबिन ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और अगले ओवर में फिर से उथप्पा ने हेजलवुड को धोया और इसके बाद बारी मोहम्मद सिराज की थी। 17वें ओवर में उथप्पा ने सिराज की जमकर क्लास ली और रॉबिन उथप्पा ने दो लगातार छक्के और एक चौका लगाया, लेकिन इसके बाद सिराज ने उथप्पा की पारी समाप्त कर दी। लेकिन आज शायद भाग्य भी बलवान का साथ दे रहा था, गेंद नो बॉल निकली और उथप्पा की पारी आगे भी जारी रही। सिराज ने ओवर में 18 रन लुटा दिए और इसी बीच रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने इस आईपीएल सीजन का सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप करके इतिहास रच दिया। दुबे और उथप्पा के इस धुआंधार साझेदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जोड़ी ने महज 8 ओवर में 123 रन के ऊपर ठोक डाले। आरसीबी पूरी तरह से बैकफुट पर थी और गेंदबाज इन दोनों के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रहे थे। 18वें ओवर में दुबे जी ने युवा आकाशदीप के ऊपर कड़े प्रहार किए और प्रेशर में आकर इस गेंदबाज ने 4 वाइड गेंद डाल दी और कुल मिलाकर 24 रन लुटा दिए। अगले ओवर में हसरंगा को भी 2 छक्के पड़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए उथप्पा और कप्तान जडेजा का विकेट निकाला, पर तब तक सीएसके 200 के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी। उथप्पा 50 गेंदों में 4 चौके और 9 छक्के की बदौलत 88 रन बना चुके थे और वो आउट हो गए। रॉबिन उथप्पा ने अपनी पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए और सिर्फ 73 गेंदों में रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने 165 रन की तूफानी पार्टनरशिप कर डाली और आज एक करिश्माई बल्लेबाजी करके चेन्नई एक्सप्रेस की गाड़ी को फिर से पटरी पर ला दिया। युवा शिवम दुबे ने भी 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्के ठोक डाले और 95 रन की करिश्माई पारी खेलकर विरोधी खेमे को हैरान और परेशान करके रख दिया। आखिरी 10 ओवरों में सीएसके ने 156 रन ठोक डाले और चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट होकर 216 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया।
हालांकि 217 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए आरसीबी के पास कई बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन आज एक अलग ही दिन था और आरसीबी के लिए काम मुश्किल बना दिया महेश तीक्ष्णा ने। श्रीलंका के इस मिस्ट्री स्पिनर ने पावर प्ले में ही कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली को चलता कर दिया। दो बड़े बल्लेबाज तो निकल लिए, आरसीबी की कमर टूट गई। वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने अनुज रावत को 12 के निजी स्कोर पर आउट करके आरसीबी को बैकफुट पर ढकेल दिया। हालांकि इसके बाद 11 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत ही 26 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल काफी खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सीएसके के कप्तान जडेजा ने मैक्सवेल के स्टंप्स उड़ाते हुए आरसीबी को एक और बड़ा झटका दे दिया। सिर्फ 50 रनों के अंदर ही आरसीबी ने 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और चेन्नई की जीत काफी आसान दिखाई दे रही थी, लेकिन शहबाज अहमद और डेवन प्रभुदेसाई ने 7 से 12 ओवर के बीच में कमाल की बल्लेबाजी करके मुकाबले को और रोमांचक बनाने का प्रयास किया। सुरेश ने डेब्यू पर 18 गेंदों में 34 रनों की अहम पारी खेली और सहवास के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 33 गेंदों पर 60 रनों की अहम साझेदारी निभाई, लेकिन फिर से तीक्ष्णा का जादू चल गया और उन्होंने सुरेश और इसके बाद सहवास की 41 रनों की पारी का अंत कर बेंगलुरु को मुकाबले से लगभग बाहर कर दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक तो कुछ और ही ठान कर आए थे, एक एंड से विकेट गिरते जा रहे थे और कप्तान जडेजा ने एक ही ओवर में हसरंगा और आकाशदीप का भी विकेट हासिल कर लिया और आरसीबी के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर दी। लेकिन दूसरे एंड से कार्तिक का बल्ला रुका नहीं, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे और एक समय 146 रनों पर 8 विकेट गवा चुकी बेंगलुरु कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी के कारण जीत की उम्मीद करने लगी थी और 18 गेंदों में 48 रन की दरकार थी और दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों में 34 रन बनाकर अपने स्कोर को तेजी से रफ्तार दे दिया। और आपको बता दें कि क्योंकि दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज नहीं था, ऐसे में अकेला चना कितना भार उठा पाता। 18वें ओवर में ड्वेन ब्रावो को एक गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाने के प्रयास में कार्तिक डीप मिड विकेट पर कप्तान जडेजा के हाथों कैच आउट हो गए और इस विकेट के साथ ही आरसीबी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। चेन्नई ने इसके बाद बेंगलुरु को 193 रन पर रोक दिया और 23 रनों से मुकाबला जीतकर 5 मैचों के बाद आईपीएल 2022 में अपना खाता खोला। तो दोस्तों, आप चेन्नई सुपर किंग्स की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।